अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से वापस, फाइनली 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं दो चार लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हैदर, अब्दुल रहमान और एक फीमेल फ्रेंड भी, उसने भी डीमोटिवेट नहीं किया। सबने मुझे बोला तू लगा रहे, जानी लगा रहे, कभी ना कभी कामयाब हो जाएगा। अभी माशाल्लाह से 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अभी आगे आगे देखें और भी होते जाएंगे। पर हाँ, एक और बात भी आप लोगों से शेयर करनी थी, ये मरी कागान वगैरह कितना बुरा हाल हो रहा है यार, इतना लोग मर रहे हैं वहाँ पे। वो पूरा एक होटल गिर गया, वो एक पत्थर के पास कुछ लोग खड़े हुए हैं, वो पानी का प्रेशर इतना तेज़ है, उसके साथ वो लोगों को लेकर जा रहा है। ये सब कुछ अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह पाक मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह पाक ये अज़ाब वापसी ले जाए अपना, अल्लाह पाक। और कुछ लोग हैं हमारे मुल्क के, वो ऐसे कोई लोग हैं, उनको इवेंट की सूझी हुई है, आउटिंग की सूझी हुई है, टूर मार रहे हैं भाई, पबजी के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं भाई। आपके मुल्क की हालत इतनी ख़राब हो रही है, आप पहले इसको तो देख लो। मैच देखने आप दुबई जा रहे हो, माना कि आपके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, चलो सही है, ओके डन है, मगर आप अपने मुल्क को तो देख लो यार एक बार। आप मुल्क को नहीं देख सकते, आप इधर उधर जा रहे हो, आप फिर बोलते हो मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे ये हैं वो हैं, पबजी के कॉन्सर्ट में जा रहे। लाख लाख शुक्र है मैं उनको, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक बस ये अदा वापसी ले दे। तुम एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का स्टेक खा रहे हो, तुम जब तुम स्टेक की वीडियोस डाल सकते हो, खाने पीने की वीडियोस डाल सकते हो अपने व्लॉग में, तो डोनेट करते हुए भी दिखा सकते हो भाई। मैं ये कहना चाहूँगा यार, पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और ये जो आया हुआ है उससे तो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। कितनों का नुकसान हुआ है, कितने ज़्यादा, कितनी जाने गई हैं। अभी तो खाली आप न्यूज़ में सुन रहे हो इतनी जाने गई हैं, इतना ये हो गया। आप रियल लाइफ में थोड़ी ना, अपने वहाँ पर जाके थोड़ी ना देखा है, वहाँ पे जाओगे तो पता लगेगा। मैं भी नहीं गया वैसे, बस ये कहना चाहूँगा कि यार दुआ करो, ये सब कुछ अल्लाह का अज़ाब है और कुछ नहीं, बस दुआ करो ये जल्द से जल्द ये अज़ाब ख़त्म हो जाए। ये वीडियो बनाने में मतलब ये नहीं था कि मैं इसको बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ। अगर किसी को इस वीडियो से मतलब है ना भाई, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाना, लिंक दे रहा हूँ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।